लेडीज एंड माफ कीजिएगा कि जेंटलमैन शब्द का यहाँ इस्तेमाल मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप में से कई कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ और मैं राज ठाकरे से नहीं डरता, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलूँगा। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सब महाराष्ट्रियन भाई बहन मुझे माफ़ करें और एक बात दूसरी भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आने से पहले मैंने कंदू भाई से पूछ लिया था कि मुझे कितना बोलना है, तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि भाई अपने घर में जितना बोल सकते हो उतना बोलो। कितने स्मार्ट आदमी है, क्योंकि मैं बोल ही ना पाऊँ। अच्छा, तो मुझे जो काम दिया गया है वो बहुत नेक और पवित्र है, तो इसलिए मैं नितेश बारदानवाला से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको देखने के लिए मिलने के लिए आपकी आंखें बेताब है, वो मुरब्बी श्री विठ्ठल भाई पटेल को स्टेज पर लेकर आए। नितेश बारदानवाला झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, ये गीत इन्होंने लिखा था। और वैसे भी विठ्ठल भाई पटेल, वैसे भी आप अगर गौर से देखें तो इस पूरे ऑडियंस में मिलने जैसी सिर्फ दो ही शख्सियत है, एक माननीय श्री अशोक दवे और दूसरे सम्माननीय श्री अशोक दवे। ये मिलने जैसी शख्सियत नहीं है, चरण छूने जैसी शख्सियत है। और इनसे आज मेरी पहली मुलाकात लंच पर हुई। ज़रा गौर फरमाइएगा मैं जो कह रहा हूँ। मैंने पूछा विठ्ठल भाई, एक्चुअली आई हैव टेकन फैंसी टू हिज सॉन्ग्स, तो मैंने कहा विठ्ठल भाई आप बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? इन्होंने कहा काश मैं भी आपके बारे में ये कह सकता। दूसरी बात यह है कि मुझे इनकी इंट्रोडक्शन करवानी है, तो ये तो सभी जानते हैं कि बॉबी का जो मुल्क मशहूर गाना था झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं माइके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए, ये गाने में तो अच्छा लगता है, हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वाइफ एक बार भी ऐसी धमकी नहीं देती। ये तो हमारी बात है सर, लेकिन इनकी तारीफ में अगर कुछ और बातें करनी है तो फिल्मों के अलावा भी उनके पास इतने खजाने हैं इंट्रोडक्शन के लिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये गुजराती है। चरोतरना पटेल पण वो रहते हैं, उन्होंने पूरी कारकिर्दी और अपना जीवन मध्य प्रदेश के सागर नाम के एक छोटे से शहर में बिताया, मतलब कि उनका जन्म सागर में हुआ है। अपना मधी घना खावो जिया में थे, पण बीजो पण एक सरस परिचय है कि ये न सिर्फ एक फिल्मी गीतकार हैं, एक बहुत अच्छे नेक दिल पॉलिटिशियन भी हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में इनकी मिनिस्ट्री में एक बहुत ऊंची जगह थी, 4 साल तक ये मिनिस्टर रहे, आठ साल। और इनको
बेस्ट पॉलिटिशियन एंड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन का बहुत गौरववंत का पुरस्कार मिला उनको। एक दूसरी भी बात में एक खूबी है, एमपी की जो कार रैली हुई थी 68 में, इनमें इनको फर्स्ट प्राइज मिला था। ये क्यों मिला था ये आपको किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है कि इसलिए मिला था कि जिस वक्त ये कार रैली में हिस्सा ले रहे थे उस वक्त उनकी वाइफ उनकी बगल में नहीं बैठी थी। और दूसरी बात यह है कि एमपी में उनके दो धंधे चलते हैं और भी, एक बीड़ी, जो लोग बीड़ी पीते हैं, एक बीड़ी बनाने का उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वहाँ के बीड़ी किंग माने जाते हैं, और दूसरा है पेट्रोल का, इनके बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि बीड़ी और पेट्रोल, एक का काम एक जलती है और दूसरा जलाता है। ये तो वही मिसाल हो गई कि हर झगड़े के बाद घर में जो वाइफ, अच्छा एक पॉलिटिशियन होने के नाते एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अपने शहर सागर में इन्होंने 4 मरघट यानी कि स्मशान घाट बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तालियां मेरी इस बात के बाद आनी चाहिए कि हमारे देश के और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनका योगदान मरघट को हरा भरा रखने में रहता है। क्यों सरस हंसया जो मरघट कोई खाली नहीं रहना चाहिए लेकिन जो भरे भरे रहते हैं। और एक सही मानों में जिनके लिए हमें इनका अभिवादन करना है, तालियां बजानी है, वो ये है कि गांधी जी के ये परम भक्त रहे हैं और खुद एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत बड़े गीतकार, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन होने के बावजूद इन्होंने पूरे 550 दिन तक झाड़ू लगाया है। चंदू भाई एक ताली मेरे लिए भी, क्योंकि मैं पिछले 28 साल से घर में यही काम कर रहा हूं। एक भी ताली बजाते हैं तुम्हारी भली था। विठल भाई और इसमें फर्क इतना है कि वो जाहिर में लगाते हैं, ये घर में लगाते हैं। चलो अब ये पण करीशु। और आखिरी बात विठल भाई, मैं बहुत कम बोलता हूं लेकिन तो आपने दिखाई। और आखिरी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे नेक दिल इंसान बैठे हैं, दाता लोग बैठे हैं, ये अजीज भाई के लिए इनकी परफॉर्मेंस के लिए एक अरविंद भाई पटेल ने 501 रुपये का इनाम रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि इनके जैसी अक्ल आप सब में भी आए, क्योंकि एक दूसरा भी कलाकार यहाँ पर मौजूद है और दान दक्षिणा लेवानु चालू है। मारू बेटू जामनगर कोई एक आलतू नहीं। सर मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, पूरे यहाँ पर जितने हाजरीन हैं ये सब चाहते हैं कि आप हमसे कुछ दो शब्द कहें। मैं नड़ियाना चरोतरना हमारी राम राम। अब मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। आज मैं वो शहर सुनाना चाहता हूँ हसरत जयपुरी का, जो उन्होंने मयूर पंख के लिए लिखा। और ये शहर में 1000 कार्यक्रमों में जनता को सुना चुका हूँ। आज मैं हसरत जी का शहर उन्हीं को समर्पित करता हूँ। मुबारकबाद देने को हवा बागों से आई है, बाहर है सारी दुनिया की वो अपने साथ। हसरत जयपुरी हमारे सागर 1954 में आए थे, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, और तब से ही हम इनके दीवाने हैं।
चंदू भाई तुम्हें क्या कहूँ मैं समझ में नहीं आता चंदू भाई और कुछ नहीं श्योर चंदू भाई बादान वाला और बट्ठल भाई बीड़ी वाला पहली बार यह संयोग मिला है यार इतने साल तुमने मुझे याद नहीं किया क्या बात है भूल गए थे क्या हसरत तुम्हारी नहीं है हमारे भी है हसरत सारे जहां के है हसरत जैसा प्यारा दोस्त क्या करूँ जब हमारे सागर आए थे तो हमारे पिताजी ने उन्हें एक सोने की अंगूठी दी जब मैं इनके बांद्रा में फ्लैट पैक मिलने गया तो बोले बट्ठल भाई तुम्हारी उस सोने की अंगूठी अभी भी मेरे पास रखी ऐसा लाजवाब आदमी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें हसरत थे हसरत हैं हसरत रहेंगे इस टाउन हॉल में ना सही हमारे दियों में हसरत के दिए जलते रहें चंदू भाई हसरत की हस्ती को तौल रहे हो तुम है कौन तराजू उसमें बोलो तोल ये प्यार भरे कुछ गीत बनाते थे उनकी बोली कितने में बोलोगे लाजवाब शायर लाजवाब दोस्त लाजवाब आदमी और उनसे भी बढ़ के हमारा चंदू भाई जो हसरत को जिंदा रखे है आज क्या कहूं तुम्हें लिए हम अब तो हमें लगता है कि हर साल हमें जामनगर आना पड़ेगा और जामनगर का ये प्यार का जाम पीना पड़ेगा जामनगर में ये प्यार का जाम स्नेह का जाम ये मोहब्बत का जाम ये हसरत का जाम सब पिए और सबको पिलाए अच्छा चंदू भाई अब मैं चलूँ क्या बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए आप सबके स्नेह के लिए Before he puts down the receiver, I would like to request Shri Vithal Bhai, एक वाक्य वो आपको सुनाए जो सुनकर आपको भी बहुत आनंद आएगा ये जो गाना उन्होंने लिखा झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरिए इस गाने का जन्म कैसे हुआ ये जरा आपने जो दोपहर को मुझे बताया था सिमी वाली बात वैसे सिमी का नाम देते हुए आजकल हर कोई डरता है लेकिन वो हम वो सिमी ग्रेवाल की बात कर रहे हैं भाई साहब उम्र का सवाल है सर सिमी की इतनी कहाँ उम्र हुई है आपसे तो बड़ी है राज साहब मुझसे फिल्म का मुखड़ा लिखवा रहे रोज 10-15 मुखड़े लिखता लेकिन राज साहब को पसंद हुआ एक 1.5 महीने तक मैं मुखड़े ही लिखता रहा एक दिन मैं बैठा था उनकी कॉटेज में सिमी का फोन आया और राज कपूर बोले देखो सिमी झूठ बोलेगी तो कौवा काटेगा तो मुझे लगा कि ये तो मैंने सुना ही नहीं है कि कौवा काटता है और ये बात जब मुझे अच्छी लगी तो जनता को भी अच्छी लगी मैंने तुरंत लिखा झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरिए मैं क्या चली जाऊंगी तुम अब मैं अपना एक गाना सुना दूं आप बॉबी का ही एक गीत और मैंने लिखा है ना मांगू सोना चांदी ना मांगू हीरा मोती ये मेरे किस काम के देता है दिल दे बदले में दिल के देता है दिल दे बदले में दिल के घे 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 रे साहेबा प्यार में सौदा नहीं घे 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 रे साहेबा प्यार में सौदा नहीं झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो मैं सागर चला जाऊंगा तुम